नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबे के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम कैलाश यादव, सिकोहा बार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश मुख्य अतिथि महेश यादव, नोएडा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री व विशिष्ट अतिथि अहिर रेजिमेंट मिशन के राष्ट्रीय संयोजक सांवल राम यादव राजस्थान ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर आयोजन का शुभारंभ करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति या समाज को आगे ले जाने के लिए सर्वप्रथम समाज को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही आपका आपके समाज का विकास व अच्छे से अच्छी देश की सेवा दे सकते हैं। उन्होंने शास्त्रों की ओर से इशारा करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ यदि आपका समाज संगठित है तो अपने समाज के साथ साथ अपने देश को बहुत आगे तक ले जा सकता है। सांवल राम यादव राष्ट्रीय संयोजक अहिर रेजिमेंट मिशन अखिल भारतीय यादव महासभा की ओर से बोलते हुए कहा कि यदि भारतीय सेना में आजादी से पहले कई जातियों और समुदायों की रेजिमेंट हुआ करती थी, जिसमें जाति व इलाके के आधार पर कई रेजिमेंट बनाई गई हैं, तो अहिर रेजिमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना में अहिरों की संख्या काफी है जिन्होंने समय समय पर राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने 1962 की भारत चीन युद्ध की चर्चा करते हुए कहा कि लद्दाख के चुसुल के एक इलाके और बचाने के लिए कुमाऊं रेजिमेंट के अहिर कंपनी को लगाया गया था, जिसमें 114 सैनिकों के बलिदान हुए, लेकिन अहिर वीरों ने भयंकर युद्ध कर शौर्य और परिक्रमा दिखाते हुए 1700 चीनियों को मार गिराया। जो 6 सैनिक बचे उन्होंने काफी समय बाद संकट झेलते हुए भारत की सरकार को सूचना दी। मेजर शैतान सिंह सहित 114 अहिर वीर शहीद हुए। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र एवं 13 अहिर वीरों वीरता पुरस्कार दिया गया, जहां पर लद्दाख के रेजांगला में आज भी अहिर धाम के नाम से जाना जाता है, जहां पर सभी शहीदों के नाम आज भी अंकित हैं। इसलिए हम लोगों ने अखिल भारतीय यादव महासभा की तरफ से सरकार से मांग की कि सेना में अहिर रेजिमेंट मिशन की स्थापना होनी चाहिए। महान समाज सुधारक, सामाजिक जन चेतक के जनक, जन कवि, गरीब मजदूर वर्ग के मसीहा स्वर्गीय बाबू देव कुमार यादव, पूर्व विधायक बबेरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई व उनके संघर्ष भरे व्यक्तिगत से समाज में चेतना का संचार हुआ। कार्यक्रम के संयोजक यशवी जिला अध्यक्ष देवराज यादव ने दल की राजनीति से बढ़कर सामाजिक हित में भावनात्मक रूप से जुड़े व्यक्ति को ही वास्तव में समाज की हितैषी बताया। जो अपने समाज के साथ रहता है वही देश की एकता अखंडता को मजबूती प्रदान करता है। अखिल भारतीय यादव महासभा के कार्यक्रम में शामिल हजारों की तादाद में उमड़े स्वजातीय जन सैलाब ने सेना में अहिर रेजिमेंट गठन की मांग की और संगठित होकर इस मांग को लेकर सरकार के आह्वान कर का संकल्प लिया और अपने सर्व सहयोग का सकनांद किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि विशंबर सिंह यादव, पूर्व विधायक विजय करण यादव, जिला अध्यक्ष अनुज यादव, जिला अध्यक्ष चित्रकूट मेजर आर यादव, डॉक्टर अमित यादव अध्यक्ष चित्रकूट बच्चूलाल, किरण यादव प्रदेश उपाध्यक्ष, नीतू यादव प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान, शिशुपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, मनोज यादव प्रदेश अध्यक्ष युवा, अश्वनी यादव जिला सचिव कानपुर, मंडल अध्यक्ष भावनी दीन यादव, अशोक यादव, देवेंद्र यादव संगठन के करधार साथी, पूर्व सूबेदार जीपी यादव जिला अध्यक्ष सेना प्रकोष्ठ ने जमकर जनसैलाब में ऊर्जा का संचार किया। संगठन मंत्री एड राकेश यादव ने बताया कि कलयुग के संगे शक्ति कुशल संचालन वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष डीआर यादव ने किया व मूलचंद्र यादव, अरुण यादव, राकेश यादव, मुलायम यादव, अजीत यादव, अशोक यादव, अजय यादव, केपी यादव, आनंद सुरेश, अनूप बुद्धराज, सामवेद बालकृष्ण, राम नरेश, राम मोहन, राजकिशोर, मीडिया प्रभारी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों लोगों की उपस्थिति रही। मेरा नाम सांवल राम यादव है और मैं अहिर रेजिमेंट मिशन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ अखिल भारतीय यादव महासभा का। आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमने आज ये रेजिमेंट मिशन के ऊपर सब लोगों को संदेश दिया है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से और सभी पत्रकार बंधुओं को निवेदन करते हुए, हमारे देश के अंदर भारतीय सेना का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये बहुत ही बहादुर और जो लड़ाकू कौम है यादव, उसका कहीं कोई घर नहीं है, कहीं कोई ठिकाना नहीं है। अनेक जातियों की रेजिमेंट है, अनेक क्षेत्रों की रेजिमेंट है, लेकिन इस लड़ाकू और राष्ट्र प्रति राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित जो कौम है इसकी कोई रेजिमेंट नहीं है। हमारे लोगों ने रेजांगला में बहुत बड़ा बलिदान देकर के इस देश की एक इंच भी धरती के ऊपर कब्जा नहीं होने दिया, इसलिए
मैं ये कहता हूँ कि इनके शौर्य और पराक्रम को देखते हुए भारतीय सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट हमारा हक है और वो सरकार को देना चाहिए, और यदि नहीं देता है तो हमने संकल्प लिया है अखिल भारतीय यादव महासभा के माध्यम से कि पूरे देश के अंदर एक रथ यात्रा निकाल करके इस जागरण अभियान को चलाएंगे और पूरे देश के यादवों को अहीर रेजिमेंट मिशन के ऊपर इकट्ठा करके हम हमारा हक लेकर रहेंगे। जय यादव जय माधव। हमारे यहाँ के महापुरुष बाबू देवराज जी को श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अंदर हमने ये संकल्प लिया है सबने कि हम हमारे कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी हुई और हमारे बलिदान देने वाले शौर्य और पराक्रमी बलिदानियों के सम्मान के लिए और कौम के रोजगार के लिए ये जो मुद्दा है और पूरी कौम की यूनिटी के लिए एकता के लिए भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट को हम गठन करवा के रहेंगे। जय यादव जय माधव। मेरा नाम महेश यादव है, मैं अखिल भारतीय यादव महासभा में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के पद पर कार्य कर रहा हूँ और इस श्रद्धांजलि सभा में आकर के जो अहीर रेजिमेंट का मिशन था उनको भाई साहब ने पूरा करने के लिए आश्वासन दिया है। बाकी मेरा मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन की ही बात पे ज्यादा जोर देता हूँ। मैं कल ही आ चुका था, कल मैंने प्रशिक्षण शिविर यहाँ लगाया और अपने सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण किया और आज इस स्थिति में एक वर्ष मुझे पूरा होने को है। एक वर्ष में 15 प्रदेशों में मैंने संगठन को खड़ा कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि अगली वर्ष फिर पुनः जब यहां आएंगे तो हमारे सभी 3600 प्रदेशों में संगठन खड़ा होगा। ये संकल्प हमारा शुरुआत का लिया हुआ है और इसे करके छोड़ूंगा। दिशानिर्देश यही है कि हम सब समाज एकता का परिचय दें। अगर हमारे समाज के अंदर में अगर गद्दारों के छिपे हुए हैं उनके चल करके करें और हम एकता का परिचय देते हुए जितने भी समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो भी दल हैं हम अपने यादवों को इकट्ठा करके हमारा एक ही उद्देश्य रहे कि हम अपने समाज को, क्योंकि समाज से बढ़कर के राजनीतिक कोई पार्टी नहीं है, और समाज को इकट्ठा करने में हम अपनी हर तरीके से जी जान लगा देंगे और अपने भाइयों को साथ लेकर के समाज को इकट्ठा करने का तत्पर हमारा प्रयासरत रहेगा और करके ही छोड़ूंगा मैं, ये मेरा संकल्प है।